डी वाय पाटील हॉटेल मॅनेजमेंटचे प्राचार्य हेमंत मर्चंट सर आपल्यासोबत आहेत. सर, ये 17वा साल है और सक्सेसफुली है, क्या लगता है ये कैसी रही जर्नी? ये जर्नी जो है 97 में हमारी ये जो कॉलेज खुली थी, तो आज मुझे इस कॉलेज के साथ में ऑलमोस्ट 19 इयर्स सर्विस हो गई है. राइट फ्रॉम बिगनिंग से लेके आज तक आई हैव बीन विद दिस इंस्टीट्यूट यर एंड द जर्नी हैज़ बीन फैंटास्टिक बिकॉज कम से कम 19 बैचेस मेरे सामने पास आउट हुए हैं इस कॉलेज में से. और इतनी ब्यूटीफुल जर्नी रही है, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट बैच में पास आउट हुए थे वो आज एक सीनियर पोजीशंस में, इंडस्ट्री में, होटल्स में, बहुत सारे कंपनीज में आर इन अ वेरी हाई पोजीशन. आज भी आते हैं कॉलेज में और आके प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं. और दिस इज़ माय अचीवमेंट. मुझे लगता है कि एजुकेशन में ये टीचर के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है. सर, नैक ने भी ए का हमें दर्जा दिया आपके कॉलेज को. हाँ जी. हाँ, तो इसके लिए क्या अलग से कोई नियोजन किया था, क्या किया था? नैक के लिए हमने, एक तो ऐसा है कि हमको नैक ए ग्रेड का दर्जा मिला है, इसके लिए हम लोग ने एक अलग इनोवेशन में प्रेजेंटेशन किया था, जहाँ पे जितने भी हमारे जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोजेक्शंस है वो हमने नैक के कमिटी को सामने बताया. और वो एक्चुअल प्रोसेस जो स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किया विद एक्चुअल प्रैक्टिकल्स, एक्चुअल प्रोडक्ट्स, तो उनको वो बहुत पसंद आया. और जो भी नैक कमिटी आई थी उन्होंने पहले होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस में जो नैक का जो प्रेजेंटेशन सुना था और हमारे में बहुत फ़र्क था, इसके लिए हमको उन्होंने ए ग्रेड नैक का जो प्रेजेंट किया था उसने. सर, इस साल पंजाब का ये फूड फेस्टिवल आपने थीम रखा है, क्या खास है? ये जो है कि एवरी ईयर हम लोग एक थीम रखते हैं. एक साल में हम लोग एक इंटरनेशनल थीम रखते हैं और दूसरे साल में इंडियन थीम रखते हैं. तो ये साल जो अभी पंजाब दी महक करके एक फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का एक थीम हमने रखा हुआ है. और इसकी जो स्पेशलिटी ये है कि ये जो है फुल इवेंट स्टूडेंट्स लोग प्लान करते हैं और स्टूडेंट्स लोग एग्जीक्यूट करते हैं, हम लोग सिर्फ उनको गाइड करते हैं. बाकी ए टू जेड फूड प्रिपरेशन से लेके प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन से लेके डेकोर से लेके मार्केटिंग से लेके सब जो डिपार्टमेंट्स है स्टूडेंट्स लोग मैनेज करते हैं. और एक ये उनके लिए एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी होती है कि इवेंट कैसे प्लान करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है. तो आप अभी जो देख रहे हैं ये उनकी जो जो उन्होंने प्लान किया है, आज हमारे पास अभी कैंपस में अबाउट 800 to 1000 पीपल आर प्रेजेंट इन दिस कैंपस एंड द टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट. टिकट्स भी सब ख़त्म हो गई है. खाना तो इनफ है सबके लिए. और सो फार जो भी कमेंट्स आई है गेस्ट लोगों की, बढ़िया कमेंट्स आई है. सर, अगले साल की को क्या थीम्स रहेगी, उसके बारे में कुछ सोचा है? अगले साल की थीम अभी इंटरनेशनल होगी, तो वो अभी फ़िलहाल तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, बट देर माइट बी अ चॉइस ऑफ इटालियन और मेक्सिकन और सम अदर थीम. मोस्ट प्रोबेबली जो थीम लाइवली होता है वही थीम ले लेंगे हम लोग. सर, डिजिटल प्रभात की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, भविष्य में ऐसे ही आपके कॉलेज की प्रगति हो. ये थे प्राचार्य डी वाय पाटील हॉटेल मॅनेजमेंट, त्यांनी आपल्याशी संवाद साधला. आणि रोजगार निर्मिती आणि विविध खाद्य संस्कृती याबद्दल होत जाणारे बदल याविषयी त्यांनी आपल्याला थोडक्यात माहिती सांगितली. धन्यवाद.